बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है नारियल के लड्डू। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, 2.5 कप मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है, 1.5 कप दूध है, 1 कप चीनी है, 2 टेबलस्पून घी है, और ये थोड़े से मैंने 3-3 टेबलस्पून नारियल लेकर एक को वाइट रखा और एक में 2 से 3 ड्रॉप लिक्विड फूड कलर ग्रीन डाल लिया और दूसरे मैंने रेड लिक्विड फूड कलर डाल लिया। चलें तो फिर अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में घी डालेंगे और आँच को बहुत ही ज़्यादा हल्का रखना है। ये घी मेल्ट हो गया तो मैं इसमें नारियल शामिल कर रही हूँ। अब इस नारियल को मैं भूनूंगी, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि इसका कलर ना चेंज होना पाए, कि ये ब्राउन हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही हल्की आंच मैंने रखी हुई है और इसका रंग अभी नहीं बदला। अब मैं इसमें ये दूध शामिल कर रही हूँ। ये देखें, जब मैंने दूध डाला था तो ये अब उसने दूध सारा एब्जॉर्ब इसमें हो गया है। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी इसमें मेल्ट अच्छी तरह हो जाएगी तो फिर मैं इसको चमचा चलाना बंद कर दूंगी, लेकिन इसको अभी मुसलसल चमचा चलाना है। देखें, चीनी मेल्ट हो चुकी है और मैं इसमें मुसलसल चमचा चला रही हूँ। अब ये इस फॉर्म में आ गया है और अब मैं इसको थोड़ा सा और चलाऊंगी। ये देखिए, ये अब इस कंसिस्टेंसी में आ चुका है और बिल्कुल रेडी हो गया है ये। अब मैं बर्नर को मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं एक प्याले में निकाल रही हूँ। 10 मिनट मैं इसको रखूँगी ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद फिर मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। इसको एक प्याले में निकाल लिया है और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख रही हूँ, इसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर इसके लड्डू बनाएंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने रूम टेम्परेचर पे इसको रखा था, तो ये अब इतना गर्म है कि मैं इसे हाथ में लेके लड्डू बना सकती हूँ। और ये बिल्कुल ठंडा होना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए। हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया था पहले। ये देखें, ये मैंने एक लड्डू बना लिया और इसी तरह से मैं ये सारे इसके लड्डू बना लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से ये लड्डू भी तैयार हो गया। अब इसी तरह से मैं ये सारे लड्डू बना के रख लेती हूँ। ये देखिए, उस बैटर से मैंने ये लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको कलरफुल नारियल में इस तरह से रोल कर लूँगी, दबा दबा के ज़रा लगा लें तो ये लग जाएगा आराम से। इसमें मैंने 13 लड्डू बनाए हैं, आराम से ये 13 लड्डू बन गए। अब एक जो है वो वाइट में ही करूंगी। ये देखें, इसी तरह मैं बाकी सारे लड्डुओं को भी कर लूंगी। तो ये तैयार हो गए हैं हमारे नारियल के लड्डू, जो कि बहुत कम वक्त में तैयार हो गए हैं। जिस तरह ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, इंशाल्लाह खाने में भी इसी तरह ही मज़ेदार होंगे। और जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो फिर आप लोगों को भी इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएंगे।
इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें और मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की ज़रूरत है और इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं जल्दी हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।